डियर स्टूडेंट्स, मेरे से बार बार लोग पूछते हैं रिवीजन कैसे करें। आइए एक फी मॉडल ऑफ रिवीजन के तरीकों को बताएं। आप बोर्ड पे एक भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भी मॉडल ऑफ रिवीजन होता क्या है और ये सबसे कारगर तरीका है। तो देखिए, भी मॉडल का मतलब है शुरुआत में आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, पर जैसे जैसे आपका अब एग्जामिनेशन पास में आ गया तो आपको पिन पॉइंटेड होना पड़ेगा। यानी आप शुरुआत में भी के चौड़ा होता है ना, काफी वाइड है ये, काफी चौड़ा है, पर जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा है क्या होता जा रहा है, पिन पॉइंटेड होते जा रहे हैं। तो लास्ट में आप सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए रेडी करते हैं। आप 12 में हैं, आप बीकॉम पार्ट 1 में 12 में हैं, या आप बीकॉम पार्ट 2-3 में हैं, कहीं भी आपको सारे चीज को आपने एक बार शुरुआत में पढ़ा, पर जब आपको एग्जामिनेशन का टाइम आ गया तो सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंटेड होइए, सारी शक्ति को एक जगह समेटिए। तो सबसे पहला 5 ईयर, पिछले पहला स्टेप होता है 5 ईयर, 5 ईयर क्वेश्चन, 5 ईयर क्वेश्चंस, ठीक। 5 ईयर क्वेश्चंस आपको हम लोग को कहां मिलता है, तो 5 ईयर के क्वेश्चंस मार्केट में उपलब्ध होते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन ढूंढ जाइए, एकदम सारे क्वेश्चन, वो चाहे थ्योरी में हो चाहे वह अकाउंटेंसी में हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, 5 साल के क्वेश्चन के बाहर के क्वेश्चन साधारणतः उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के नहीं आते हैं। यह मान के चला जाता है कि 5 साल के क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत चेंज करके आपको आएगा, पर कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा। तो भी मॉडल में फिर हम लोग बात करें, आप शुरुआत में सारा पढ़े, पर जब एग्जामिनेशन के लिए आप आए तो केवल और केवल पिछले 5 साल के क्वेश्चन पर भरोसा रखें। 5 ईयर क्वेश्चन लीजिए, उसको 2-3 बार बना लीजिए, आपकी तेजी से गलतियां नहीं होंगी, ठीक। आप प्रैक्टिस में होंगे, थ्योरी पेपर के लिए भी समान तरीका अपनाइए। गेस की जहां तक बात है, गेस लोग बोलते हैं ना, तो गेस भी यही चीज है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम लोग, और वो फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार वो पूछा है, जितना ज्यादा बार पूछा होगा उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। वो क्वेश्चन हम लास्ट में देख के जाएंगे, करेक्ट। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, निश्चित कमेंट कीजिए और वी मॉडल को इस बार अप्लाई करके देखिए। थैंक यू।